तो प्रिय दोस्तों, इलेक्ट्रिक अंकल हैट वाले का आपको नमस्कार। आज मैं आपके लिए फिर एक नया कंसेप्ट रास्पबेरी पाई से रिलेटेड लेकर आया हूँ। क्यों, मैं कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ करता रहता हूँ और कोई ना कोई नई चीज़ ढूंढता रहता हूँ, वीडियोस देखता हूँ अच्छे अच्छे लोगों की, और वहाँ से सीख के आपको समझाने लगता हूँ। मैंने एक चीज़ महसूस की, मैंने कई वीडियोस देखी पहले, तो ये जो हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले लाते हैं ना रास्पबेरी पाई का, तो उसमें काफ़ी चीज़ें, क्यों सॉफ्टवेयर का वर्जन पुराना था, वो उसके हिसाब से उन्हें करना पड़ता था, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस नज़र आई। पर अभी जो ये जो रास्पबेरी पाई OS 32 है, लेटेस्ट वर्जन, इसके अकॉर्डिंग आगे चल के हो सकता है ये वर्जन और इम्प्रूव होगा, तो कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो भी नहीं ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक है ना। पर आज की डेट में जो मैंने महसूस किया 2022 जनवरी, कि मेरी ये जो रास्पबेरी पाई है OS 32, नहीं रास्पबेरी पाई की मदद से कई चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं। हम पुरानी वीडियोस को देख देख के ना उसको फॉलो करते हैं, तो वो काफ़ी थोड़ी मुश्किल लगती हैं, टाइम लगता है उसको करने में। पर ये जो नई रास्पबेरी पाई है, मैंने महसूस किया इसको करने के बाद ना, वो जो पुरानी वीडियोस में से काफ़ी चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं। जैसे पहले कॉन्फ़िगर टेक्स्ट के अंदर ना SSH को हमें इंक्लूड करना पड़ता था फाइल को, कोई ज़रूरत नहीं है। वाईफाई बाद में साइन इन होना पड़ता था, कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होगी। रास्पबेरी पाई 4 यूज़ करो और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करो। उसमें फिलअप करना पड़ता था कंट्री, टाइम जोन, दिस दैट, तो वो सब कुछ अब शुरू में ही हो जाता। अब जब रास्पबेरी पाई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आप राइट करते हो अपने SD कार्ड के ऊपर, तो स्टार्टिंग में ही जब आप सेलेक्ट करते हो ना रास्पबेरी पाई OS 32, और अपना कार्ड फॉर्मेट करने के बाद लगाना पड़ता है उसको, उसके लिए SD फॉर्मेटर चाहिए। क्यों, रास्पबेरी पाई का कार्ड एक बार अगर जो यूज़ हो गया ना, उसको जो हमारे कंप्यूटर में साइड पे कंट्रोल पैनल या नीचे आता है ना फाइल्स में फॉर्मेट करने का ऑप्शन है, वो 100% फॉर्मेट नहीं हो पाता, जो मैंने महसूस किया, परेशान करता है। तो एक तो सॉफ्टवेयर SD कार्ड फॉर्मेटर वेरी इजी, फ्री है सब, डालो उससे आप अपने कार्ड को फॉर्मेट करो। वो SD कार्ड फॉर्मेटर स्पेशली शायद बना ही रास्पबेरी पाई के लिए, ठीक, तो 100% फॉर्मेटिंग हो जाती है राइट करने से पहले आपके कार्ड की। अब जब आपने रास्पबेरी पाई OS सेलेक्ट कर लिया, स्क्रीन खोल के साइड पे कार्ड सेलेक्ट कर लिया, आगे बढ़ने से पहले मैं बार बार इस चीज़ को दिखाता हूँ और इस वीडियो में भी दिखाऊंगा, बहुत ज़रूरी है आपकी आगे की काफ़ी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट और एक्स दबाइए तो एक स्क्रीन खुलेगा, उसके अंदर आप फिलअप करते जाइए, SSH को एनेबल कर दो, वहां से रास्पबेरी पाई पासवर्ड जो है वो डाल दीजिए, हॉस्ट नेम पाई है ऊपर, नीचे पासवर्ड रास्पबेरी पाई कर दीजिए। उसके नीचे आएंगे तो अपना जो घर का वाईफाई है, जो भी यूज़ करना है उस रास्पबेरी पाई को, नाम होता है घर के अंदर जो वाईफाई कनेक्शंस होते हैं, जैसे मेरा RS शर्मा है, मैं RS शर्मा लिख दिया, नीचे उस वाईफाई का पासवर्ड डाल दीजिए। आप ये तो खेलने के लिए भी करते हो, कोई गेस्ट आता है उसके मोबाइल में आप पासवर्ड डालते हो अपनी वाईफाई चलाने के लिए, एंड गेस्ट कैन एंजॉय दैट।
सो ये सब करने बाद नीचे आइए, वहां पे एशिया टाइम जोन हाँ ये सब आता है, उसको सबको फिलअप कर दीजिए और फिर आ जाइए टॉप के ऊपर। वहां पर होता है टू यूज ऑलवेज, दैट्स इट, सेव करिए, आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आप राइट कीजिए एसडी कार्ड के ऊपर, नॉर्मल रास्पबेरी पाई ओएस, दैट्स इट, जो नॉर्मल वे में हम करते हैं चलाने के लिए, एचडीएमआई केबल के थ्रू स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर लो, लैपटॉप का जो मॉनिटर होता है, जो पीसी मॉनिटर होता है हमारा कंप्यूटर का, डेस्कटॉप का, उससे एचडीएमआई से कनेक्ट करके देख लो। सो लाइक दैट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हमें अपने डेस्कटॉप के ऊपर सिर्फ रास्पबेरी पाई है हमारे पास, और उसके साथ एक केबल है, कोई स्क्रीन नहीं है, 3.5 7 इंच दिस दैट नथिंग, सिर्फ एक रास्पबेरी पाई है हमारे पास, एक हमारे पास सप्लाई केबल है। अब उस कार्ड को फॉर्मेट करके हमने उसमें डाल दिया। उसके बाद हमें अपने लैपटॉप के ऊपर वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, सेम कनेक्शन, राइट। उस पे जाएंगे और उसके ऊपर हम सबसे पहले हमारी रास्पबेरी पाई को सप्लाई देते हैं जब हम, तो ये वाईफाई से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी, जो मैंने बताया ना, कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबा के फिलअप करोगे तो। उसका आईपी एड्रेस जरूरी है जानना, तो हमें अपने लैपटॉप के ऊपर डिस्टेंस वाइज, रास्पबेरी पाई कहीं और पड़ी है, लैपटॉप लेके आप कहीं और बैठे हो दूसरे रूम में, उसके स्क्रीन को हमें कैसे डिस्प्ले करना है अपने लैपटॉप के ऊपर, तीन चीज़ें चाहिए आपको। एक तो आईपी एड्रेस होना चाहिए रास्पबेरी पाई का। देखो, जो भी कोई डिवाइस कनेक्ट होगी ना आपके वाईफाई से, उसका एक आईपी एड्रेस बन जाता है अपने आप। वो आईपी एड्रेस ढूंढना, ये कई बार बड़ा परेशान करता है, मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी सीखा, ठीक। उसके बाद आपको चाहिए एक पुट्टी सॉफ्टवेयर, उसके बाद चाहिए वीएनसी सर्वर कम व्यूअर, दो पार्ट में होता है ये, वीएनसी सर्वर एंड व्यूअर, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपके पास हैं, आप अपना लैपटॉप के ऊपर एंजॉय करो, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, आईपी एड्रेस कैसे फाइंड आउट करना है, ये मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपके पास एक नॉर्मली जैसे आप डिस्प्ले करते हो रास्पबेरी पाई किसी और स्क्रीन के ऊपर, उसकी मदद से हम कैसे अपने लैपटॉप के ऊपर उस स्क्रीन को देख सकते हैं और काम कर सकते हैं रास्पबेरी पाई के ऊपर। तो आज हम जो है ना, एक डिस्प्ले स्क्रीन है मेरे पास डेल का, बहुत अच्छा, उसके ऊपर डिस्प्ले करके उसको मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर लाऊंगा, और जैसे मर्जी उस पर काम कीजिए। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर ज़रूर कीजिए, ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाइए, आपकी एक मदद होगी उनके लिए कि मेरी वीडियोस का वो फ़ायदा उठा सकें, प्रेफरेबली जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। मैं अपने फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म से ये वीडियोस वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। आई विश कि आप इस मामले में बढ़ेंगे आगे। सो चलते हैं। तो ये देखिए, मैंने जो सारे लिंक्स हैं ना, एक अपने नोटपैड में बना रखे हैं, जिसकी भी ज़रूरत होती है इसमें वो हम ले सकते हैं। एसडी फॉर्मेटर है, एडवांस आईपी स्कैनर है, पुट्टी है, वीएनसी सर्वर है, वीएनसी व्यूअर है, ठीक। और थोड़ी सी ये कमांड वमांड लिखी हुई है, जब पुट्टी से काम करेंगे ना, हमारे पास कोई डिस्प्ले स्क्रीन नहीं होगा, तब हमें पुट्टी का यूज़ करना है। तो ये अलग अलग स्टेज पे यूज़ होते हैं, तो मैंने ये बना लिया। तो आज हम करेंगे व्यूअर के ऊपर, सिर्फ हमें अपने लैपटॉप के ऊपर व्यूअर को, वीएनसी व्यूअर को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और हमारा लैपटॉप रेडी हो जाएगा व्यू करने के लिए रास्पबेरी पाई को, चाहे वो डिस्प्ले स्क्रीन के थ्रू करें हम, या सीधा रास्पबेरी पाई से करें। तो अगले एपिसोड में सीधा रास्पबेरी पाई से करेंगे, अगर जो हमारे पास दूसरा कोई डिस्प्ले नहीं है स्क्रीन, उसमें पुट्टी का यूज़ होगा,
सॉफ्टवेयर पुट्टी, इसमें यूज नहीं है उसका, इसमें सिर्फ व्यूअर चाहिए आपको। आपकी रास्पबेरी पाई किसी और स्क्रीन के ऊपर चल रही है, उसको हम सर्वर का यूज़ करते हैं रास्पबेरी पाई में, व्यूअर का यूज़ करते हैं जहाँ पे हम व्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम व्यूअर को डाउनलोड कर लेते हैं, VNC व्यूअर, और इसमें इंस्टॉल करने के बाद साइन अप हो जाइए, ईमेल एड्रेस पासवर्ड डालिए, ये हमेशा के लिए आपका इसके अंदर लैपटॉप के अंदर आ जाता है। कोई भी चीज़ व्यू करनी हो बस उसका IP एड्रेस चाहिए हमको, और उसको सर्वर ज़रूर देना है। तो ये हो रहा है बस, VNC व्यूअर हमारा डाउनलोड। इसके बाद फिर हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसको, ये आ गया इसके ऊपर डाउनलोड होके सिंबल इसका, यहाँ से क्लिक करेंगे, ओके करिए, और जो पूछता जाता है वो करते जाइए। तो ये व्यूअर आपका इंस्टॉल हो जाएगा, इसके ऊपर एग्री टर्म्स कंडीशंस को करके बस ये डेस्कटॉप शॉर्टकट पे क्लिक कर लीजिए, ऊपर करना हो तो शॉर्टकट आ जाएगा। मैंने उसको नीचे टास्क बार में लगा रखा है, VNC सर्वर को ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल्ड है, तो मैं इंस्टॉलेशन में ये पूछेगा क्या करना है, तो मैंने रन कर दिया था आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये मैंने अपना एक वो बना रखा है टीम, इसमें आप 5 डिवाइसेस को व्यू कर सकते हैं एट ए टाइम, 2 रास्पबेरी पाई ले लो या कोई दूसरा कंप्यूटर हो, 5ों को आप व्यू कर सकते हो, बस उनके पासवर्ड। ये रास्पबेरी पाई में मैं नॉर्मल जो रास्पबेरी पाई है, जिससे रास्पबेरी पाई OS 32 बिट, मैं इसको राइट करूंगा अपने कार्ड में, हमेशा कार्ड मेरा जरूर दिखाता हूं, ये जो आप देख रहे हैं ना रास्पबेरी पाई, तो अब इसको राइट करिए। इसको राइट करने से शुरू करने से पहले SD कार्ड, वही मैं बार बार बोलता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट X दबाकर वो जो फॉर्म सामने एक स्क्रीन ग्रैब कर लीजिए, उससे क्या होता है उसके ऊपर आपने उस फॉर्म को एक ही बार में फिल अप कर दीजिए, वाईफाई के लिए टू ऑलवेज यूज, और अपना इसमें पासवर्ड डाल दीजिए रास्पबेरी पाई, टाइम वगैरह सब सेट डाल दीजिए, ठीक है ना, और इसका जो वाईफाई का नाम है और नीचे पासवर्ड है रास्पबेरी पाई डाल दीजिए, कंट्री सेलेक्ट कर लो, मैंने कलकत्ता कर लिया, होस्ट हो गया रास्पबेरी पाई, तो ये क्या है कि नहीं तो बाद में ये पूछ रास्पबेरी पाई हो गया पासवर्ड, भरो भाई इसको कंट्री भरो, ये भरो वो भरो, इसको आप शुरू में इसको जरूर एनेबल करें ऊपर, तो ये कार्ड में आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और लगाते ही वाईफाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा आपका नाम ऊपर अपने वाईफाई का, घर तो ये काम जरूर करना है। और एशिया चूज कर लीजिए, टाइम सेट राइट करने से पहले कंट्रोल शिफ्ट सबसे पहले एक्स दबा के ये स्क्रीन खुल जाता अपने SD कार्ड पे, इससे आगे चल के बड़ा आराम भाई, अब इसको राइट करने से जैसे नॉर्मली हम कर सब राइट कर दीजिए, उसके अंदर की कमांड जो है रास्पबेरी पाई के लिए तैयार। ऐसे करेंगे, रास्पबेरी पाई में कार्ड डालिए, किसी भी डिस्प्ले स्क्रीन पे लगा के उसको चला लीजिए सीधा HDMI केबल लगा के। ये मैंने डेल का स्क्रीन लिया था, बहुत अच्छा है, मैं इसके ऊपर डिस्प्ले करता हूँ नॉर्मली, ये डेस्कटॉप स्क्रीन है 14.5 इंच का, तो मैं तो सारे काम इसके ऊपर करता हूँ नॉर्मली। अब मैं देखो रास्पबेरी पाई को चलाता हूँ इसके ऊपर, कार्ड डाल दिया है और रास्पबेरी पाई मेरी इसके ऊपर आ गई है, जो नॉर्मली आप चलाते हो घर में, बस अब ज़्यादा कोई काम नहीं है इसके अंदर। आप सिर्फ आइए नीचे प्रेफरेंसेस पे, कॉन्फ़िगरेशन चूज़ कर लीजिए, और कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर अंदर आके आप इंटरफेस पे आ जाइए। इंटरफेस पे आके देखो मेरा पहले से ही सेलेक्टेड है SSH एनेबल्ड, अगर जो आपने रास्पबेरी पाई में पहले सेलेक्ट नहीं किया होगा ना तो यहाँ पर डिसेबल आएगा, ये अनेबल कर दो। VNC, ये VNC सर्वर अनेबल कर रहे हो आप, व्यूअर हमारा लैपटॉप में है तो हमें रास्पबेरी पाई को देखना है अपने लैपटॉप के ऊपर, ठीक है, ये हो गया सेट पूरा। अब हम वापस आ जाते हैं अपने VNC व्यूअर पर। अब VNC व्यूअर को खोलें, ऊपर रास्पबेरी पाई का एड्रेस हम मालूम कर चुके हैं पहले, मैंने पहले एपिसोड में बताया था कैसे एड्रेस मालूम करते हैं, और नहीं तो रास्पबेरी पाई में जब खोलते हैं ना तो वाईफाई के ऊपर आप थोड़ा सा क्लिक करेंगे वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, जो स्क्रीन हमने खोला था उसमें ऊपर आइकॉन है वाईफाई का, उस पर आप थोड़ा सा कर्सर लाएंगे ना तो नीचे आपका IP एड्रेस लिखा हुआ आ जाता है, वो मैंने दिखाया पिछले अपने एपिसोड में। तो ये मैं अंदर डाल देता हूँ इसमें VNC में 192.168.1.20, ठीक है, और इसको हम चला के देख लेते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर सिर्फ अपने यूज़र नेम क्या है हमारा पाई, पासवर्ड क्या है डिफ़ॉल्ट रास्पबेरी पाई, बस ओके करना है, और आपके स्क्रीन के ऊपर टीवी के ऊपर अपना रास्पबेरी पाई आ गया लैपटॉप के ऊपर,
ये दीजिए, अब आप कुछ भी करिए, इसमें प्ले करो, कुछ करो, इसको डाउन कर दो, इसको एनलार्ज कर लो, छोटा कर लो, जो काम करना हो इसको लैपटॉप के ऊपर, लैपटॉप बढ़िया करता हूँ, लैपटॉप पे चली पाई, मेरा दूसरा स्क्रीन दूसरा है और इधर मैं काम करता हूँ। तो मित्रों, उम्मीद है आपको ये वीडियो काम आई होगी, यूजफुल लगी होगी, सीखा होगा कुछ। जो रास्पबेरी पाई में इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे स्टूडेंट्स, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और जो अगला पार्ट है वो ज़रूर देखिए, मैं उस पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। और मेरे ब्लॉग पे जाइए, वहाँ पे मैं राइटिंग में भी दे रहा हूँ ये थोड़ी बहुत चीज़ें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। प्लस वही लास्ट में थैंक्स, सब्सक्राइब करने का धन्यवाद आपको, और शेयर करने का, क्या होगा शेयर करने से, गरीब बच्चों तक, ज़रूरतमंद बच्चों तक, नए नए इंजीनियर्स जो ये मिनी कंप्यूटर रास्पबेरी पाई अपनी पॉकेट में रखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगी। और पार्ट टू ज़रूर देखिए, इसका कंटिन्यूटी में है वो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती अगर जो मैं एक में ही सारा कुछ भर देता तो इतना टाइम कोई डिवोट नहीं करता, तो पार्ट्स में देख सकते हैं आप। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।